आज का वीडियो होने वाला है आपको फोटोशॉप पे एक पासपोर्ट साइज कैसे बना पाओगे। ठीक है, उसके लिए हमें एक यहाँ पर सिलेक्ट करना है एक फ़ोटो। यहाँ पर जाना है हमें फाइल पर, वहाँ पर ओपन, वहाँ पर एक फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक, उसको हमें पहले क्या करना है, उसको क्रॉप करना है। यहाँ पर आपको वेड देना है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट देना है 4.5, और उसके बाद उसका रेजोल्यूशन 200 देना है। ठीक है, यहाँ पर उसको ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक फिट के हिसाब से उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, आपका एरो बटन को यूज कर सकते हो उसको साइज देने के लिए। ठीक है, उसके बाद एंटर कर देना है, ये आपका बन गया। ठीक है, उसके बाद काम है उसको एडिटिंग करना। ठीक है, उसके लिए हमें जाएंगे इमेज पर, यहाँ पर एडजस्टमेंट, यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा कर्व। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद ये आपका लाइट करता है आपका फ़ोटो। ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना आपका फ़ोटो लाइट होगा। ठीक है, उसको थोड़ा एडजस्ट करना है, यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद फिर से जाना है इमेज पर एडजस्टमेंट, यहाँ पर लेवल, आपके कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कोई चेंज करना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट जाना है फिल्टर पर। यहाँ पर देखिए लिखा है नॉइजी, यहाँ पर लिखा है JPEG क्लीनअप। ये कब बाहर से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका फ़ोटो को स्मूथनेस बढ़ाता है। ठीक है, उसको आप देख के डाउनलोड कर सकते हो और उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद काम है अगर आपका फेस पे कोई डार्क दिख रहा है तो उसको हाइड करने के लिए आपको जाना है इरेजर टूल पर। ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक बिकट जैसा आ रहा है, उसको आपको फेस में लगाना है। यहाँ पर देखिए एक आप कलर का सैंपल आ गया है, यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद जाना है आपको ब्रश के साइज़ के ऊपर, यहाँ पर आपको 9 सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लेने के बाद आपका कीबोर्ड में जो है दोनों ब्रैकेट उसको यूज़ करके उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसका ओपोसिट को आप 14:14 के आसपास रखना है, उसका फ्लो को भी ऐसा ही रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसको इरेज करना है जहाँ पर आपको लग रहा है वाइट करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आपका फेस पे कोई पर डार्क स्पॉट है उसको लिपाने के लिए यहाँ पर पेच टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर डार्क स्पॉट है यहाँ पर आपको राउंड करना है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर साफ है वहाँ पर उसको छोड़ देना है, वो आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आप चाहते हो उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर जो है मैजिक टूल उसको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जितना सेम कलर होगा उसको वो कैप्चर कर लेगा। उसके बाद एक कलर चूज़ करना है, मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल एक्स कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे वाइट चाहिए तो इसलिए मैं उसको फिर से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड से। नेक्स्ट है अगर आप चाहते हो यहाँ पर आपको यूज़ करना है ब्लेजर, तो आपको एक PNG वाला ब्लेजर आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, गूगल से मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट करता हूँ जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मूव टूल को यूज़ करने के बाद देखिए ये मूव हो रहा है, समझ लेना ये एक PNG वाला शॉट है। ठीक है, अब उसको यहाँ पर मूव कर देना है, मूव करके यहाँ पर उसको एडजस्ट करना है साइज के हिसाब से। ठीक है, मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन पीछे जो दिख रहा है कुछ उसका कलर दिख रहा है। ठीक है, ब्लू कलर का, उसको मिटाने के लिए यहाँ पर इरेजर टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले उसका कलर सिलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड में जो कलर है यहाँ पर उसको वही कलर यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर उसको इरेज करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ओपोसिट को बढ़ा देना चाहिए जो कि डार्क हो जाएगा उस अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ पर इरेज करना है। देखिए ये मेरा इरेज कंप्लीट हो गया, एकदम सही हो गया है। ठीक है, ये मेरा फ़ोटो अब कंप्लीट हो गया है, ये हमारा फ़ोटो बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो उस यहाँ पर उसको प्रिंट करना है तो यहाँ पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मूव बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब मूव करते हैं सिर्फ जाता है एक फ़ोटो,
क्योंकि ब्रेजर नहीं आता है, क्योंकि ये दो लेयर का है। अब उसको सेव करना है जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पर हमें जाना है सेवेज पर, यहाँ पर आपको कोई नाम देना है, यहाँ पर आपको हमें सेव करना है जेपीजी के फॉर्मेट पर, ठीक है। यहाँ पर उसको सेव कर देना है, यहाँ पर उसको मैक्सिमम रखना है, यहाँ पर ओके। हमें उसको यहाँ पर बंद कर देना है, यहाँ पर फिर से ओपन करना है वही फोटो। मैं यहाँ पर उसको ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, फाइल के ऊपर जाना है, न्यू के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है A4 साइज, यहाँ पर सब सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। यहाँ पर ओके कर देना है। मुझे अब यहाँ पर उसको मूव करके यहाँ पर लाना है, ठीक है। यहाँ पर मूव के टूल जाना है, यहाँ पर उसको मूव करके यहाँ पर छोड़ देना है। देखिए एक फ़ोटो मेरा यहाँ पर आ गया है। उसके लिए उसके बाद अब मैं क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करके एक एक करके माउस के राइट बटन से सब फोटो रख देना है, ठीक है। अगर गलती से ऐसे एक फ़ोटो बन जाता है तो यहाँ पर जाना है विंडोज पर, लेयर के ऊपर जाना है, जो लेयर हमें डिलीट करना है वहाँ पर प्रेस करना है, नीचे डिलीट का बटन है, ठीक है, वहाँ पर उसको यस कर देना है। ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, साइज लेना है रेक्टेंगुलर, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है, यहाँ पर पेस्ट हो गया। उसके बाद ऑल्ट शिफ्ट के साथ प्रेस करके माउस से आपको नीचे ड्रैग कर देना है, ठीक है। देखिए ऐसे आप जितना चाहते हो ऐसे ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ उसको नीचे नीचे ड्रैग कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप जितना चाहते हो यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो। देखिए ये हमारा 8-9 रो का फोटो बन गया है। यहाँ पर हमें सेव करना है उसको, उसके लिए हमें जाना है फाइल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर सेव, यहाँ पर आपको अगर वहाँ से आपको प्रिंट करना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको जेपीजी फॉर्म में सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर नहीं चाहते हो तो उसको एडिट करना चाहते हो तो उसको जेपीजी में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक नाम दे देना है, ओके कर देना है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम रखना है, यहाँ पर ओके। देखिए यहाँ पर मेरा आ गया है, उसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ये मेरा फोटो है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो यहाँ पर उसको प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर कंट्रोल पी आपको टाइप करना है, या फिर यहाँ पर आपको टच करना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट फोटोशॉप से प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फाइल कोड जाना है, प्रिंट विथ प्रीव्यू। यहाँ पर जाने के बाद अगर आपका फोटो सही स्केल में नहीं है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट टू फिट मीडिया, ठीक है। उसके बाद आपको अगर प्रिंट करना चाहते हो यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा ऐसा फोटो है आप उसको कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वो मेजर टूल के पास, ठीक है। यहाँ पर आपको मेजर करना है, माउस के बटन से उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है एडिट पर, सॉरी इमेज पर, यहाँ पर रोटेट कैनवास, यहाँ पर आर्बिटरी, यहाँ पर एंगल दे सकते हो, नहीं तो ओके कर सकते हो, ठीक है। ऐसा हो गया। उसके बाद आपको फिर से वही मेजर टूल के पास जाना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर साइड से मेजर कर देना है, उसके बाद जाना है इमेज पर, यहाँ पर रोटेट कैनवास, यहाँ पर 90 डिग्री कर देना है, ठीक है, ये सेम आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है क्रॉप के पास, यहाँ पर क्रॉप यूज करके यहाँ पर विड्थ और हाइट दे देना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्रॉप कर देना है, ठीक है, यहाँ पर एंटर कर देना है, साइज करके उसको एंटर कर देना है। देखिए ये आपका बन गया है, ठीक है। अब आप जैसे मैंने पहला फोटो में बताया था
वही रूल से आप उसको भी बना सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।